कास्ट एकदम जबरदस्त ठीक है अभी आज हम एबीसी पढ़ते हैं ठीक है ओके बोलो ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल अरे मैडम रोल आप ये क्यों सिखाते हो क्या होना चाहिए था क्या अच्छा हुआ कहाँ गड़बड़ थी सो वी विल स्टार्ट विथ बेटा बोलो क्या और अच्छा हो सकता था टेल मी योर नेम माय नेम इज सागर धनजी शिंदे सागर बोलो आरव ने ना खाली एक ही ने बोला वो खाली बी तलक बोल रहा था ए फॉर अमिता बच्चन बी फॉर बोल बच्चन सी फॉर चिंदी पांडे और E for इमरान हाशमी तो कुछ डायलॉग मिस हुए हाँ और क्या कमी थी और कुछ ओके उनको बताओ मुझे नहीं अच्छा ही था एक आर वाले तो अच्छा किया है और अच्छा कर सकते रिहर्सल की जरूरत तो क्या अच्छा लगा अच्छा ही था इसके पंच अच्छे थे आर के पंच अच्छे थे ओके सब कुछ अच्छा था पर रिहर्सल थोड़ा अच्छा हो सकता था ठीक है और टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो गया पर वो इम्प्रूव हो सकते हैं आर यू लिसनिंग आरव एंड मैडम दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है स्टूडेंट टीचर दोनों के बारे में हाँ सर थोड़ा टीचर का लैंग्वेज उनको ही बताइए टीचर का लैंग्वेज थोड़ा और आरव थोड़ा बीच में अटक गया कभी तो वो भी इम्प्रूव हो सकता है और आपका लैंग्वेज भी बोलो लखन ये सिर्फ रिहर्सल है उन दोनों को बताओ मुझे नहीं ये सिर्फ रिहर्सल है इसके आगे भी बहुत चीज़ें ऐड होंगी जैसे आपने भी टीचर की तरह बहुत अच्छे से उसको समझाया मैं आपने पापा ने मुझे इतने पैसे दे के सिखा रहे हैं मैं आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वो नौटंकी कर रहा है उसके भी दो तीन डायलॉग मिस हो गए ये बता रहा था तो अच्छा था ओके सौरभ मैडम को बोलिए सौरभा मैडम तो क्या बेटी की तारीफ ही करेंगे जितना मतलब जितनी जल्दी आप लोगों ने ये एक्ट से किया तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने एरो को एक्टिंग करते हुए देखा आज तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो मतलब टाइमिंग भी अच्छा था उसका लेकिन हम लोगों के शायद हंसने की आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से उसके डायलॉग सुनाई नहीं दिए दूसरी चीज़ मैम ने काफ़ी अच्छे से अपनी शुरुआत की उसे जो भी आपका कन्वर्सेशन था वो अच्छा था आप एक टीचर लगी शुरुआत में एक इनोसेंट टीचर फिर बाद में थी जाओ मुझे नहीं थोड़ा और एग्रेसिव अगर होता था तो और ज़्यादा अच्छा लगता था और आरव का जैसे जब टीचर छोड़ के गई तब बहुत खुश होता हो जाता था कि हाँ ये तो मुझे चाहिए था और उसके बाद डांस वांस करने लग जाता था तो ज़्यादा अच्छा दिखता था जब आपको आप जानते हो कि आपने बात कर रहे हो और बाकी लोग हंस रहे हैं तो उस दौरान थोड़ा सा पॉज लेके वापस वो चीज़ कंटिन्यू करनी है क्योंकि क्या हो जाता है कि ये सब लोग हंस रहे थे तो उस दौरान आपके डायलॉग ही नहीं सुनाई दिए हमें तो उस वजह से थोड़ा सा पॉज लेके वापस वो बात बोलनी है ओके मैडम टीचर आप नए हैं
कुछ समय पहले ज्वाइन किया आपने, तो क्या कैसे लगा आपको वो रोल करते हुए? एक्चुअली रोल करते हुए मुझे मेन डायलॉग ही याद नहीं रहते, मेन प्रॉब्लम तो वो है, डायलॉग याद नहीं रहते. और फिर पहली बार एक्ट कर रहे तो थोड़ा नर्वस भी थी, इसलिए थोड़ा. अब आप महाराष्ट्रियन है तो मेजर काम आपको ये करना पड़ेगा मैडम, खुद की हिंदी पर काम करना होगा. मराठी तो आप बोल लेती है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, हिंदी पर काम करना होगा. टीचर महाराष्ट्रियन भी हो सकती है, कैरेक्टर महाराष्ट्रियन भी हो सकता है, बट हिंदी पर हमें काम करना है. और आप नए हो, एक एक्ट अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो इसी तरीके से छोटे छोटे एक्ट करके हमारी प्रैक्टिस होती है. एक छोटी सिचुएशन लेके जब एक्टर परफॉर्म करता है तो धीरे धीरे वो रोज क्रिकेट खेलने वाली बात होती है, रोज स्विमिंग करने जैसी बात होती है. वेरी नाइस. आरव आपको कैसे लगा? अच्छा. क्या अच्छा लगा व्हाइल परफॉर्मिंग? बोलना, मजाक करना टीचर का. टीचर का मजाक करना अच्छा लगा? स्कूल में भी करते हो मजाक? नहीं. ऐसे ही मजा उड़ाते हो टीचर की? नहीं. नहीं ना, घर पे उड़ाता हूं. घर पे उड़ाते हैं, घर पे मम्मी की मजा उड़ाता है. ओके. तो एक्टर्स, ये जो एक्ट था, इस तरीके से बहुत सारे एक्ट हम लोग करते हैं ताकि ये रोज़, जैसे स्विमिंग इम्पॉर्टेंट है, जैसे डांस इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है एक्टर्स की. आई होप आपको पसंद आया होगा. कुछ 10 मिनट पहले मैंने इनको सिचुएशन दी थी और उस सिचुएशन पे इन लोगों ने एक्ट करने की कोशिश की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इनकी एक्टिंग के बारे में आपको जो सुझाव देने हैं वो सुझाव ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच.